हाय एवरीवन फिर से एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसी का भी राशन कार्ड बनाने के लिए सभी को जो है राशन मित्र आईडी पासवर्ड मिलना शुरू हो गया है आप लोग आधार नंबर के द्वारा ही आईडी क्रिएट कर सकते हैं और एक बार जब आईडी डी क्रिएट हो जाता है तो बड़ी ही आसानी से किसी का भी राशन कार्ड बना सकते हैं ऐसे में आप लोग कैसे मित्र आईडी को लेंगे आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने वाले हैं तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे

इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी वाले पेज पर आ जाते हैं अब आप लोग को ऊपर में यहाँ पे कुछ पॉलिसी नजर आ रहा होगा तो एक्सेप्ट ऑल कुकीज पर क्लिक कर लेना है अब आप लोग के सामने जो है यहाँ पे लॉग पेज खुल जाता है यदि आप लोग पहले से ही यूजर आई और पासवर्ड बना के रखे हुए हैं तो इसमें आप लोग लॉग करके किसी का भी राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि आप आई और पासवर्ड नहीं लिए हैं तो नीचे यहाँ पे न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिल जाता है, है। इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग के सामने जो है रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है तो यहाँ पे कुछ डेटा बेसिक डेटा को यहाँ पे फिल कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने फर्स्ट नेम को इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम को भर लेना है आप लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है आप लोग यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे कि आप लोग मेल है कि फ़ीमेल है तो उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन आईडी बना लेना है अच्छा सा एक लॉगिन आईडी बना लेना है जो आपको याद रहे तो इसको यहाँ पर फिल कर लेना है एंड उसके बाद चेक यूज़र पर क्लिक कर लेना है चेक यूज़र पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे टिक मार्क लग जाता है यानी कि ये यूज़र आईडी जो है अभी तक कोई यूज नहीं किया है आप इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दोनों में जो है सेम पासवर्ड को क्रिएट करना है उसके बाद नीचे आ जाना है नीचे यहाँ पे देखेंगे वेलीडेशन मोड में यहाँ पर आधार नंबर को ही सिलेक्ट रहने देना है उसके बाद आपका आधार नंबर क्या है यहाँ पे भर लेना है आप लोग का मोबाइल नंबर क्या है यहाँ पे मोबाइल नंबर को भर लेना है उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी को फिल कर लेंगे जब ईमेल आईडी को आप लोग भर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे यानी कि किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के नेम को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप लोग का डिस्ट्रिक्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट को यहाँ सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर तहसील को सिलेक्ट करना है यानी कि आपका ब्लॉक का नेम क्या है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आप अपने विलेज के नेम को इंटर करेंगे यानी कि सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन वन को भरना है एंड उसके बाद एड्रेस लाइन टू को भरना है उसके बाद आप लोग के एरिया का पिन कोड क्या है उसको यहाँ पे भर लेना है एंड यहाँ पे जिस टाइप का कैप्चा है कैप्चा को भर लेना है उसके बाद नीचे आ जाना है नीचे यहाँ पे आप लोग को रिमार्क मिल जाता है अब चाहे तो इसमें कुछ लिख सकते हैं अदरवाइज इसे छोड़ देना है उसके बाद यहाँ पे कंसेंट दे देना है दोनों में कंसेंट देना है उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आप लोग के सामने एक पॉपअप आ जाता है आरियो जोर का तो यहाँ पर ओके कर लेना है अब आप लोग के सामने एक दूसरा पॉपअप आ जाता है जिसमें जो है आप लोग को ओ संख्या भरने का रहता है अब आप लोग अपने मोबाइल पे देखेंगे वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओ सेंड किया गया होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेना है देन सबमिट ओ टीपी पे क्लिक करना है अब आप लोग देखेंगे कि आपके सामने फिर से एक पॉपअप आ जाता है तो इस वाले पॉपअप को भी ओके कर लेना है अब आप लोग कुछ टाइम तक का वेट कर लेंगे यानी कि प्रोसेस को कंप्लीट होने दे लेंगे जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग के सामने फिर से जो है पॉपअप आ जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली सक्सेसफुली यानी कि आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है अब आप लोग इस वाले पॉपअप को ओके कर लेंगे के करने के बाद जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन पेज पे ही रिडायरेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आई ऑलरेडी हैव ए मेंबरशिप का एक ऑप्शन मिल जाता है इस पर क्लिक कर लेना है जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग लॉगिन दो तरह से हो सकते हैं एक आधार के माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं और दूसरा साइनिंग इन विथ लॉगिन आई यानी कि आप लोगों ने अभी जो यूज़र आई और पासवर्ड को बनाया उसके माध्यम से भी आप लोग लॉगिन हो सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग यूज़र आई को इंटर करेंगे आप लोगों ने जो पासवर्ड को सेट करा उस पासवर्ड को फिल कर लेना है कैप्चा जिस टाइप का है कैप्चा को यहाँ पे भर लेना है देन साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है साइनिंग हो जाने के बाद आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ कस्टमर अफेयर्स वाले पोर्टल पे जो है लॉग हो जाते हैं यानी कि साइनिंग हो जाते हैं राइट right साइड में आप लोग को यहाँ पे नेम देखने को मिल जाता है अब यदि आप लोग राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है इस पर क्लिक कर लेना है अब आप लोग के सामने यहाँ पे दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें नेक्स्ट में यहाँ पे आप लोग जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका स्टेट होगा इसे सेलेक्ट कर लेना है देन सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि राशन कार्ड बनाने का जो है एक पेज खुल जाता है तो फर्स्ट में जो है आप लोग जनरल डिटेल्स को फिल कर लेंगे उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स क्या है उसको फिल कर लेना है नेक्स्ट में यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देना है उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है आरसी मेंबर तो आरसी मेंबर में आप लोग कितने मेंबर हैं तो आप लोग जो है आरसी सी से आप लोग सारे लोगों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट में आप लोग को जो है आरसी सी इनक्लोजर का एक ये मिल जाता है ऑप्शन तो इस इसपे भी सारे डाटा को फिल कर लेना है एंड एन क्राइटेरिया को भी फिल कर लेना है यानी कि भर लेना है उसके बाद जो है सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद जो है 10 से 15 दिन में जो है आप लोग का राशन कार्ड बन जाता है तो इस तरह से जो है आप लोग राशन मित्र का आईडी लेकर के किसी का भी राशन कार्ड बना सकते हैं तो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि राशन मित्रा का आईडी किस तरह से लिया जाता है तो वीडियो यदि हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह का न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम